हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है संडे और आज मैं आई हूँ जिगर सेंट्रल लाइब्रेरी में और मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ कि लाइब्रेरी अंदर से बाहर से कैसा है। और यहाँ पे लाइब्रेरी का एरिया ऑलमोस्ट 50,000 स्क्वायर फुट है और ये पूरा दिन पूरा रात 24/7 खुला रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो ये है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ जेएनयू। ये सेंट्रल लाइब्रेरी सिर्फ जेएनयू के स्टूडेंट्स के लिए ही है, बाहर के स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं आ सकते। वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि लाइब्रेरी के 8th फ्लोर से पूरे जेएनयू का कैसा व्यू आता है, तो वीडियो देखते रहिए एंड तक। अंदर जाने से पहले हमें अपना बैग यहाँ पर जमा करके जाना पड़ता है। बुक्स और लैपटॉप लेके तो हम अंदर जा सकते हैं, पर बैग लेके हम अंदर नहीं जा सकते। आज संडे है, फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं रीडिंग हॉल में और ऑलमोस्ट सारे सीट्स भरे हुए हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने रिसोर्सेस है, बुक्स है, पढ़ाई की कितने अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर आप जेएनयू एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सब डेफिनेटली आपके लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए। यहाँ और भी रीडिंग रूम्स है और ये सारे अंदर से एयर कंडीशनड है और पूरी लाइब्रेरी में वाईफाई भी है। अभी हम जा रहे हैं लाइब्रेरी के 8th फ्लोर में। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से जेएनयू का। और हम काफ़ी ऊपर है इसीलिए शायद बाकी बिल्डिंग्स और रास्ते इतने क्लियरली नहीं दिख रहे, बस पेड़ दिख रहा है। पर फिर भी देखो कितना सुंदर लग रहा है।